शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिड फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय, ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा, समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिग फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। ये प्रशासन से जो हमने मांग रखी थी उसमें प्रशासन जो है 3 गिरफ्तारी 4 गिरफ्तारी शायद अभी पता चला है हो गई है, तो हम SSP महोदय को अपना ज्ञापन सौंपित करेंगे। और हमने जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का एक आह्वान किया था उसी पे विचार करने के लिए आज हम आप सबको बुलाए हैं, अपनी बात को रखने के लिए आप सबको बुलाए हैं। क्या आपकी क्या मांगे हैं? मेरी मांगे ये है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, CBI से जांच होनी चाहिए। ये जो ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहे हैं इस पे प्रशासन को मूकदर्शिता ना बन के इस पे एक्शन लेना चाहिए। परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है अन्याय पे जो है उसको पैसे देने चाहिए प्रशासन को, उनके परिवार की सुरक्षा देनी चाहिए। जिस प्रकार से जो बच्चे यहाँ पर मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ भी मुकदमा कर दिया गया है वो सब मुकदमा वापस लेना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लखनऊ में उनके कैरियर के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यही मांग मैंने 20-20 लाख रुपए के प्रत्येक जितने घर हैं उनको मुआवजे की मांग की है, क्योंकि उनका घर पूरी तरीके से कुछ भी उनके पास खाने के लिए नहीं है। आज उनके पास दाल चावल सब्जी रोटी भी नहीं है, गैस सिलेंडर सब खत्म हो गया है। सभी समाज सेवी सभी जनप्रतिनिधि आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए हमारा हार्दिक अभिनंदन, लेकिन जब तक प्रशासन की कुछ मदद नहीं होगी तब तक उनको वो उभर नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने 20-20 लाख रुपए की कम से कम मांग की।